नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिस पर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। इसी संदर्भ में कानपुर के आईएमए में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन पर जागरूकता व उससे बचाव के उपाय से लोगों को अवगत कराना था। आईएमए अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि ओमिक्रॉन कोरोना का ही प्रतिरूप है, मगर ये वेरिएंट डेल्टा से कम घातक है। ये फिलहाल शुरुआती चरण में है, पर बचाव के उपाय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही है। ओमिक्रॉन कोई नई बीमारी नहीं है, ये ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है हमारे कोविड-19 कोरोना वायरस का। इसके पहले भी और वेरिएंट आए हैं, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, जिन्होंने समय समय पर इस बीमारी को आगे बढ़ाया है। जो आरएनए वायरस होता है उस पर नोन होता है कि समय के साथ और जगह के हिसाब से और मरीजों के हिसाब से वो अपने रूप परिवर्तित करता है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता है वो अपना रूप बदलता है, तो ये नया रूप परिवर्तन करा है उसी कोविड-19 वायरस ने, जो डिटेक्ट साउथ अफ्रीका में हुआ, लेकिन धीमे धीमे पूरे विश्व में ही अपना रूप फैला रहा है। चिंता की बात यह है कि ये वायरस का जो नया वेरियंट है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। पुराने डेल्टा वायरस के वेरिएंट को देखते हुए इसकी जो इन्फेक्टिविटी है लगभग 4 गुना पाई गई है। ये 4 गुना ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा है और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी बढ़ी होने के बावजूद जो उसकी सीरियसनेस है, इसकी जो मॉर्बिडिटी की दर है, हॉस्पिटलाइजेशन की दर है, जो डेथ रेट्स है वगैरह हैं, वो अभी काफ़ी कम है। इसका पीक टाइम क्या होगा? इसका पीक टाइम ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि, लेकिन आने वाले 2 महीने ये बता देंगे कि ये हिंदुस्तान भारत में क्या रूप लेता है। जनवरी फरवरी तक आते आते अगर ये बढ़ना होगा तो ये अपने पूरे रूप में सामने आ जाएगा, लेकिन अगर जनवरी फरवरी तक ये कंट्रोल में रहता है तो फिर ये धीमे धीमे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए अभी पूरी तरह प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जिस प्रकार से अभी केसेस पाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए ये लग रहा है कि ये इन्फेक्टिविटी बढ़ी होने के बावजूद भी, चूंकि सीरियसनेस कम है, हॉस्पिटलाइजेशन दर कम हो रही है, तो उतनी ज़्यादा संख्या में लोग हताहत नहीं होंगे। फिर भी किसी भी परिस्थिति के लिए हमारी सरकार भी तैयार है, हम चिकित्सक भी तैयार हैं, हम सबकी तैयारी है। लेकिन ऐसे में जनता को मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना कि पैनिक ना हो, सावधानी पूरी बरतें, अपनी तरफ से मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से परहेज रखें, और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। जितना ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी इस बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं, उतनी जल्दी बीमारी की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। कहीं भी आए जाएं, बाहर जाएं तो अपने घर आके कपड़े बदलें, हाथ पैर धोएं, सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। अगर इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसा ऑलरेडी हम लोग 1.5 साल से रखते आए हैं, तो बहुत आसानी से इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। कानपुर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नरेट की टीम व कानपुर देहात पुलिस के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। इसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस को जीत हासिल हुई है। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।